के ऊपर, थोड़ा नहीं ज्यादा। ये है भांग के जो है बीज, वो तो पिएगा। बड़े बने मजेदार। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग घर ही में है, सब कुछ जो है घर का ही सब कुछ होगा, आज घर ही में करेंगे व्लॉग सारा। तो सबसे पहले यह है मुझे जहाँ झाड़ू मारना, सफाई करनी है। देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे बाहर, एक घास ही घास हो रखे हैं। ये सिर्फ पहाड़ों में यूज़ होता है ये वाला झाड़ू, आप देख सकते हो। ये झाड़ू का पेड़ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन से पेड़ से बनता है, इसे सुखाते हैं फिर जाके जो है इसको बनाया जाता है। भूल गया है, पता नहीं क्या बोलते हैं इस पेड़ को, बट आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जो है सारा काम मैंने करना है और मेरे भाई ने, मेरा भाई तो चलो ऑफिस का काम करेगा, मैं ही करूँगा सारा काम। पहले झाड़ू झाड़ू मारते हैं यहाँ पहले, उसके बाद जो है खाना खुना बनाएंगे, क्योंकि मम्मी का जो है हाथ कटा हुआ है, मेरी माता जी का जो उंगली होती ना ये वाली छोटी वाली, वो क्या है दातुन से पूरी तरह से कट गई है और नाखून भी साथ में चल गया। माता जी घास काटने तब भी गए हैं, उनकी उंगली कट गई है ये वाली ये छोटी वाली, तब भी जो है घास काटने गए हैं, क्योंकि क्या है पहाड़ों में जो है काम तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने भैंस भूस रखे हैं तो उनको चारा चूरा जो है खिलाना ही पड़ता है। तो बस यही है जो है पहाड़ी लाइफस्टाइल आपको बताते हैं, थोड़ा झाड़ू मारते हैं। तो जो है सफाई कर दी है मैंने यहाँ सारा अंदर से लेकर बाहर तक, और यहाँ पर मैंने जो है भैंसों को जो है धुआं लगा दिया है कि मक्खी मुक्खी जो है भैंसों को तंग ना करे। सफाई करने के बाद थोड़ी चाय तो बनती है, चाय रखेंगे, उसके बाद सब्जी सब्जी बना के जो है ब्रेकफास्ट करेंगे, और क्या करना, धूप भी आएगी है थोड़ी बहुत। तो आज मैंने जाना था कहीं और बारिश जो है सवेरे सवेरे आ गई और उसकी वजह से क्या हुआ मैं नहीं जा पाया। तो गाइस चाय जो बन गई हमारी, ये है चाय और इसे पियेंगे। आज के मौसम जो है सुहाना है थोड़ा, आज का मौसम सुहाना है थोड़ा, यहाँ का मौसम तो सुहाना ही रहता है हर टाइम, यहाँ तो मतलब सुहाना ही रहता है हर टाइम, कहने वाली बात ही नहीं है कोई कि सुहाना है कि नहीं। तो आज का मौसम भी थोड़ा बारिश बुरिश वाला था। चाय पीने के बाद गाइस हम बनाएंगे पहाड़ी चटनी, भांग वाली चटनी, जो भांग के बीज होते हैं हेम्प सीड्स कहते हैं जिसे, उसकी चटनी बनाई जाएगी। तो आपको भी दिखाया जाएगा कि चटनी वो कैसे बनाते हैं। और हेम्प सीड्स मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें कोई नशा नहीं होता, सिर्फ उसके पत्तों में नशा होता है, उसके बीजों में नशा नहीं होता, हर कोई खा सकता है। और उसके आपको मैं बताना चाहता हूँ उसके प्रोटीन भी जो है काफ़ी बनते हैं, जैसे जो बम जम जाते हैं उसका भी एक प्लांट बेस्ड जो है प्रोटीन बनता है, सीड्स हेम्प सीड्स प्रोटीन, आप देख सकते हो गूगल में जाके आपको मिल जाएगा प्रोटीन। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि हेम्प सीड्स जो है भांग के बीज जो है उसको खाने से नशा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज बनाएंगे चटनी, आपको दिखाएंगे भी कि कैसी होती है इसकी चटनी हेम्प सीड्स की, चाय की चुस्की साथ साथ और कट्टा घेरा। तो भाई चाय जो है हमारी फिक्की है, तो उसके साथ जो है मिश्री लिया जाता है, मिश्री बहुत बड़ा है, मुझे छोटा सा चाहिए। तो गाइस अब बारी है भाई भैंसों को पानी देने की, पहले पहले तू ही पी यार। भाई साले मेरे को ही मार रहा है, नहीं पीना तो मत पी, छोड़ इधर रास्ता, साला मेरे को ही मार रहा था। ये ले भाई तू भी पी, तू तो पिएगा। तो गाइस चटनी बनाने की जो है तैयारी हो रही है हमारी, तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ये है भांग के जो है बीज, ये भांग के बीज इसे कहते हैं हेम्प सीड्स कहते हैं जिसे, तो इसकी जो है चटनी बनाई जाएगी। तो ये मसाले हैं, मटेरियल है, और ये आम है हमारा छोटा सा खटास के लिए थोड़ा सा, और ये काली मिर्च मसाले का डब्बा। तो आपको अब जो है दिखाया जाएगा कि कैसे बनाते हैं यहाँ भांग की चटनी, तो मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। सबसे पहले जो है भांग की भांग रखेंगे, थोड़ा भांग के जो बीज होते हैं सीड्स, इतने इनफ है, बहुत है इतने। तो ये है भांग के सीड्स, और अब पहले इसको पीसेंगे फिर जाके इनको डालते रहेंगे मिक्स करके, फिर नमक मिर्च जो है सब कुछ होगा इसके अंदर। तो इसे थोड़ा ऐसे भी खा सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। तो ये रिच ओमेगा होता है, इसके अंदर
हाई प्रोटीन होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, अभी मुझे याद नहीं है। जो है हमारी भांग की चटनी जो है पूरी तरह से तैयार, और ये रही हमारी भांग की चटनी। तो आप देख सकते हैं हमारी भांग की चटनी टेस्टी भी है, हेल्थी भी है और मज़ेदार भी है। तो उसको हम खाएंगे अब। ब्रेकफास्ट तो हमारा लंच का टाइम हो गया, पर हम इस समय ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये रहा हमारा तामझाम जो भी था जिसके साथ बनाया हमने, तो टेस्ट करके आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। टेस्ट करो कैसे बनी है। बड़े बनी है, मजेदार, नंबर वन। तो गाइज अब थोड़ा करेंगे हम ब्रेकफास्ट, और उसके बाद देखते हैं कि ब्लॉग कब तक जो है जारी रखेंगे। तो गाइज ये है आलू की सब्जी, ये है देसी घी, ये है चटनी, ये है लस्सी, और ये उधर भैया की प्लेट है और रोटी। तो भाई अब थोड़ा घी डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा नहीं ज्यादा, और उसके बाद एक गिलास लस्सी। रोटी पकड़ा दो भाई, नहीं चटनी तो रहेगी हमारी। तो एक चम्मच जो है चटनी यहां साइड पे रखेंगे। और दो रोटी ये भैया के लिए उधर रख देते हैं। तो गाइज ये है हमारी जो है पहाड़ी ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा रोज का ऐसा ही खाना होता है जो भी हम खाते हैं, चटनी और जो है आलू की सब्जी, कोई भी सब्जी हो सवेरे, मतलब जो है ऑर्गेनिक ही होती है, कोई बाजार बुजूर से नहीं लेके आते हम। लेके आते हैं तो मतलब एमरजेंसी जब नहीं हो सब्जी। और बस आज की वीडियो में इतना ही, तो आप भी इंजॉय कीजिए। लस्सी मैं पीता हूँ, सबसे पहले लस्सी पीता हूँ। वाह, और ऐसा व्यू और ऐसा ब्रेकफास्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, उत्तराखंड और हिमाचल और जो भी पहाड़ी इलाकों में वहीं मिलेगा ऐसी चीज़ें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जय भारत, जय उत्तराखंड। और लाइक शेयर जो है सब्सक्राइब, जो भी कमेंट कर सकते हो आप कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करना। बस आज की वीडियो में इतना ही।